समुद्र का जलस्तर पिछले अनुमान के मुताबिक अधिक तेजी से बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और गर्मी जो है वो बढ़ रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं जो इस तरह की स्थिति का सामना पूरी मानव जाति कर रही है, लेकिन तमाम रिसर्च के बाद आए ताजा आंकड़ों ने एक सबसे बड़े विनाश की भविष्यवाणी कर दी है। अगर इससे नहीं रोका गया तो भारत के 4 शहरों समेत समुद्र के किनारे बसे दुनिया भर के 45 शहर जो है अस्तित्व खो देंगे। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। डूब जाएगी माया नगरी, चेन्नई कोलकाता के साथ विनाश की चौखट पर खड़े कई बड़े शहर। जलमग्न होने का खतरा बढ़ा। अब नहीं रोका गया तो डूब जाएंगे दुनिया के 45 बड़े शहर। ये तो सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा है जिसमें लगभग 10 साल पहले ऐसी ही कल्पना को पर्दे पर उतारा गया था, लेकिन आज ये डर हकीकत में बदलने से दूर नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय की बर्फ तेजी से पिघल रही है और समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जिसका असर दुनिया के लगभग 45 शहरों पर हो सकता है। जी हाँ, जिस तरह पहाड़ों में गर्माहट बढ़ी है उसका असर समुद्र की उभरती लहरों में दिख रहा है, और उस तूफान की तस्वीर में पूरा विश्व विनाश के काल में समा सकता है। आज देश और दुनिया पर्यावरण के बदलते हुए दौर को महसूस कर रही है, जिसके बाद ये पता चला है कि पृथ्वी के विनाश का ये मंजर दूर नहीं है। अगर नीतिगत तरीके से हालात को काबू नहीं किया गया तो मौत निश्चित है। जी हाँ, देश के 4 प्रमुख शहर विनाश की चौखट पर खड़े कई बड़े शहर कोलकाता, मुंबई, सूरत और चेन्नई का अस्तित्व खतरे के निशान पर है। संकट चौखट पर है और जिस तरह से समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है वो तस्वीर हकीकत को बयां करने के करीब है। दरअसल मौजूदा हालात के आकलन के बाद विश्व के तमाम वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सदी के अंत तक हिमालय के ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो जाएंगे। समुद्र का पानी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा, जिसका सीधा असर समुद्री तटों के किनारे बसे शहरों पर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था IPCC ने क्लाइमेट चेंज विषय पर बात करते हुए इस तरफ साफ संकेत दिया है। UN बॉडी के मुताबिक समुद्र का जल स्तर पहले की मात्रा में काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगली सदी की शुरुआत तक समुद्री जल स्तर 1 मीटर ऊपर तक पहुंच चुका होगा, जो किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका परिणाम विश्व भर में 1.4 बिलियन लोगों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की ओर से ओशियन एंड क्रायोस्फीयर पर जारी एक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई, जिसमें दुनिया भर के 45 तटीय शहरों पर खतरे का लाल रंग गहरा रहा है, जिसमें 4 भारतीय शहर और अमेरिका का प्रमुख शहर न्यूयॉर्क भी है। जहां समुद्री स्तर 50 सेंटीमीटर तक बढ़ने की कगार पर है, IPCC की जारी की गई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि समुद्री जलस्तर के बढ़ने से तटीय जनजीवन पूरी तरह से खत्म होकर रह जाएगा। हालात इतने खराब हैं कि ये आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं।
आपको बता दें कि साल 1982 से 2016 के बीच मरीन का तापमान दोगुने स्तर पर बढ़ चुका है और ये लगातार खतरनाक स्तर पर बढ़ता ही चला जा रहा है। करीब 7000 रिसर्चर्स और रिसर्च पेपर की मदद से तैयार की गई इस रिपोर्ट के बाद वैज्ञानिक इस तर्क पर पहुंचे हैं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो 8 दशक बाद स्थिति भयानक हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक तेजी से पिघलते बर्फ के पहाड़ इस सदी के अंत तक समुद्र का जल स्तर 30 से 60 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा तेजी से बढ़ता जाएगा। इतना ही नहीं, अगर धरती पर रहने वाले मानव ग्रीन हाउस गैसों का इसी तरह से तेजी से उत्सर्जन करते रहे तो समुद्री जल स्तर 60 से 110 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। साथ ही नई सदी तक वैश्विक तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी दर्ज हो जाएगी। समुद्र का जल स्तर इसी सदी में ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है और ये साल दर साल 3.7 मिलीमीटर की दर से और बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक संकट का बड़ा निशान है। लिहाजा अगर इस विनाश की स्थिति से बचना है तो अभी से ही जरूरी कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।